की आवाम जो मोदी जो कदम उठाया 1000 रुपए और 500 रुपए का नोट को जो डिमोनेटाइजेशन कर आज हिंदुस्तान के अंदर जिनके पास काला धन था, काला धन के लोग चुने, कम से कम मैं समझता हूं हिंदुस्तान के अंदर अगर 1 लाख 2 लाख या 3 लाख अगर 5 लाख के लोगों के पास अगर काला धन है तो आज 125 करोड़ अवाम जिनको क्या उम्मीद थी इलेक्शन से पहले, मोदी ने कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आम आदमियों के आज जो है बुरे दिन आ गए। मोदी कहा था कि इलेक्शन से पहले हर आदमी हर एक अकाउंट के अंदर जो बिलो पॉवर्टी के लाइन के लोग हैं, जो माशी हालात में लोग हैं, उनको जो है 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आएंगे। 15 लाख का तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज जो है हिंदुस्तान के 125 करोड़ आवाम रोडों पे आई। मोदी को जो है जवाब देना चाहिए आज हिंदुस्तान के आवाम को, सामने उनको माफी मांगना चाहिए। जब इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये मोदी का नारा है गरीबों को हटाओ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब मोदी आम आदमी के फायदे के लिए अगर कोई कदम उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उसको सहमियत देने का और उसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहेगी और आगे आएगी भी। लेकिन ये जो कदम उठाए 8 नवंबर के दिन, उस 4 घंटे के अंदर बीजेपी के लोग को, बीजेपी के सरकार के बड़े बड़े लोगों को, सबको जो है मोदी पहले ही अपने आगाह कर उनका उल्लिया पहला सुधार लेकर, उनका जितना भी काला धन उनके पार्टी के लोग उनके लोगों के पास कितना भी काला धन था उसको जो है पहला सुधार कर, 4 घंटे का समय देकर, उन्होंने 6-7 बजे का टाइम पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को बोलते हैं कि आज के रात के 12 बजे के बाद 1000 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट को डिमोनेटाइजेशन करा जाएगा, आपका पैसा बैंकों में जमा करो और इसके बदले में दूसरे करेंसी लो। पहला कहा था कि 4000 रुपए तक लो, 2,50,000 रुपए आप जमा कर सकते हैं। और आज का अगर पेपर हम पढ़ेंगे, आज मैं पेपर पढ़ रहा था सुबह, पूरे पेपरों में आज का देखा था मैं, जितने भी लोग 2.5 लाख रुपए डाले उनके ऊपर भी इनकम टैक्स का एक नोटिस आएगा। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी को और बीजेपी के सरकार को, अमित शाह को, मोदी को, 125 करोड़ लोगों को जो है आप नोटिस देंगे तो आपके पास इतना लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, इतना मैकेनिज्म है क्या आपके पास, क्या क्या जवाब, क्या लोगों को क्या बताना चाह रहे? आम आदमी को जो है परेशान कर आप बीजेपी को आज ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो हम कदम उठाए इसके लिए जो आम आदमी खुशी है, क्या मैसेज मिल रहा मोदी को ये तो मुझे पता नहीं है। जो मोदी का जो गवर्नर आरबीआई का गवर्नर बनने से पहले 2000 रुपए का नोट जो है पहले ही प्रिंट हो गया, जो हमारे आरबीआई के नए गवर्नर साहब है, पंजाब का एक बीजेपी का लीडर के पास 6 लाख रुपए के 2000 रुपए के नोट मिले, उन्हें खुले या मीडिया के सामने बताया मेरे पास तो पहला ही शायद 6 महीने पहले। गवर्नर का अगर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर के बगैर अगर किसी के पास 6 लाख रुपए का अगर है, वो बीजेपी का एक इम्पोर्टेंट लीडर है, कोई अहरा गहरा लीडर नहीं है पंजाब का, उसके पास 6 लाख रुपए अगर नोट है तो ये बीजेपी के सरकार जो है पहला ही प्रिंट करके अपने अपने लोगों को जो है लोगों के पास बिटवा ये पैसा पूरा बांट दिया क्या? आज बैंकों में पैसा नहीं है। आज भी अभी मैं कोई फंक्शन में जाके आ रहा था, टोली चौकी के पास लंबी कतार लगी हुई है, वहां पर लोग अपने रोजमर्रे की जिंदगी गुजारने वाले, रोज रोज जो अपनी माशी हालत को सुधारने के लिए कारोबार करने वाले, केला मंडी चलाने वाले, तरकारी बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, किसी के पास आज एक पैसा नहीं है। आज कोई भी कुछ भी खरीदने जाए तो
तो वो बोलता पुराने नोटों को हमारे पास लाना ही नहीं। आज ऐसा है रोड के अंदर, दुनिया के अंदर, हर जगह कहीं भी जाओ, आज तो ऐसा माहौल दिख रहा कि हिंदुस्तान में कुछ क्या ऐसा जैसा अपन मातम मनाते हैं, ऐसा ऐसा मातम की हालत बना के रखे हिंदुस्तान के अंदर। तो आज इसके बाद में मोदी सरकार वॉलंटरी डिक्लेरेशन का, जो ब्लैक मनी का वॉलंटरी डिक्लेरेशन का एक समय दिया था, उस समय में जितने लोग कर सके कर दिए। लेकिन नेनजी भाई पटेल जो गुजरात के रहने वाले हैं, इसके होने के बाद में 6,000 करोड़ रुपए कैसा दिए गवर्नमेंट, ये तो सरासर ऑफेंस है। सरासर कानूनी तौर से अगर देखा जाए तो ये तो गुनाह है। उसके ऊपर क्यों केस नहीं कर रहे नानजी पटेल को और मोदी को, क्या इसमें रिश्ता है? नानजी भाई पटेल 6,000 करोड़ रुपए ये वॉलंटरी डिक्लेरेट होने के बाद में अगर वो सबमिट करते हैं, इनकम टैक्स में पैसा डालते हैं, तो मैं हम लोग क्या समझना ये किसका पैसा है? लेकिन लोगों को जो गुमराह करने के लिए मोदी एक ऐसा एक चाल चल रहे क्या? और नानजी भाई पटेल के ऊपर क्यों केस नहीं बुक कर रहे, मैं पूछना चाहूंगा मोदी सरकार को। अगर नानजी भाई पटेल एक सच्चे, अगर उन्होंने भी पैसे अगर नहीं, पैसा अगर पहले ही वॉलंटरी डिक्लेरेशन में अगर डिक्लेयर करता है, तो हम समझते थे कि जो भाई इसमें कोई घोटाला नहीं है। लेकिन वॉलंटरी डिक्लेरेशन होने के बाद में 6,000 करोड़ रुपए जो है अगर उन्होंने डिपॉजिट करते हैं, तो इसका पीछे मोदी का हाथ है। ऐसा जो है मोदी हर चीज में, आज पेपर देखने के बाद में हमको ये पता चला कि आने वाले दिनों को आम आदमी को यहां पर जीना आराम हो गया। गरीब तबके के लोग जो जो माइनॉरिटी से, मुस्लिम माइनॉरिटी से, एससी से, एसटी से, बीसी से, ऐसे लोगों को तो आने वाले दिन जो है बहुत कठिन से चलेगी, धर्म संकट में गिरेंगे ये लोग। मैं उनको पूछना चाहूंगा जो लोग जो है मोदी 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 करके जो है अच्छे दिन आएंगे तो आएंगे बोल के, मोदी पुकारता था अच्छे दिन बोल तो आएंगे, बिल्कुल मोदी नारा देता, लेकिन अच्छे दिन कहां से आए, किसी को आया अच्छे दिन? अब पूछना चाहेंगे अच्छे दिन किसको दिया? आप अच्छे दिन अगर मिले हैं तो रिलायंस वाले को मिले, अच्छे दिन अगर दूसरे बड़े बड़े लोगों को मिले, अमित शाह को अच्छे दिन मिला, बीजेपी के सरकार को मिला, बीजेपी के नेताओं को मिला, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? आज आदमी को तो आप परेशान कर दिए, जो लोग जो है रोज रोज के लिए जो मेहनत से पैसा कमा के आते थे, और महात्मा गांधी नेशनल पेमेंट गारंटी के तौर से जो लोगों को पैसा मिलता था 125-140 रुपए रोज मिलते थे, आज वो भी बंद हो गया। आज मरेगा का महात्मा गांधी का वो भी स्कीम खत्म हो गया। आज जो है मोदी के वजह से इतने लोग परेशान है, तो मैं आवाम से मेरी यही गुजारिश है, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी यही मुद्दा लेके चल रही थी, एक फिरका फरस्त ताकत हिंदुस्तान के अंदर उभरते आ रही है, ये फिरका फरस्त ताकत रोकना है। आने वाले दिनों में फिरका फरस्त को आप रोकेंगे तो आने वाले दिनों में सेकुलर जमात जिंदा होगी, सेकुलरिज्म जिंदा बरकरार रहेगी। लेकिन आम आदमी कोई भी हो, या खास कर लो जो नॉर्थ इंडिया से दूसरे लोग जो आए, जो लोग रोज रोज की कारोबार करने वाले, आज हमारे अग्रवाल भाइयां हैं, जैन से गुजरातियां हैं, पंजाबियां हैं, ये लोग तो मोदी के पीछे भागे इलेक्शन के अंदर। आज तो काला कारोबार तो रोज रोज का कारोबार करने वाले ये है, ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले के ऊपर आज नोटिस मिले, यही ज्वेलरी वाले दुकान वाले जो है जाकर जो है मोदी के पीछे भाग कर जो है वोट डाल के जो है आज सेकुलर जमात को खत्म किया। लेकिन सेकुलर जमात कभी खत्म नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी का एक तारीख है, उनका तारीख कांग्रेस पार्टी के कुर्बानी अवाम को मालूम है, वो हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फिर कांग्रेस पार्टी आएगी, सेकुलर जमात जो है फिर एक बार वापस बड़े इक्तदार में आएगी, और जो है ये जो मोदी जो जो भी कदम आज उठाए हैं पार्टी जरूर जो है एहतजाज करेगी, और यहां ही नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर अवाम के बाद जाएगी कांग्रेस पार्टी, और मोदी को जो है जो उन्होंने हरकत किया है, अब आम आदमी के जिंदगी के साथ में जो खिलवाड़ खेला है उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी रोज एक प्रोग्राम करेगी। जब तक मोदी की जो है नाक रगड़कर जो है उन्होंने जो फैसला किया फैसला के खिलाफ लिए तक जो है उसको वापस लिए तक कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में एहतजाज करेगी, इसके पीछे इसके खिलाफ में आंदोलन करेगी।